स्वागत है आपका शब्दों की खेती में। आज प्रस्तुत है फिल्म तंत्र की क्यारी का नूतन सुमन अवाक और सवाक। इसमें मुख्य रूप से मूक और बोलती फिल्मों का जिक्र हुआ है। ठीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आजादी से पहले बनी इतिहास संबंधी अवाक फिल्मों में अशोक 1917, चंद्रगुप्त 1920, सती पद्मिनी 1924, अदले जहांगीर 1925, सिराजुद्दौला 1926, अनारकली 1927, राम शास्त्री 1928, पृथ्वीराज चौहान 1929 के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 1926 में बनी सिराजुद्दौला में बंगाल के शासक नवाब सिराजुद्दौला की नीतियों तथा ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों की अनीतियों पर प्रकाश डालने के अलावा उनकी प्लासी के मैदान में हुई लड़ाई को भी प्रदर्शित किया गया था। सवाक फिल्मों में नूरजहां 1931, रोशन आरा 1932, विक्रम चरित्र 1933, जहां आरा 1934, अनारकली 1935, बाज बहादुर 1936, पुकार 1939 प्रमुख रही। पुकार में पहली बार जहांगीर के उस न्यायप्रिय चरित्र का उद्घाटन हुआ जो अभी तक इतिहास के पन्नों में ही उपलब्ध था। इस फिल्म के नायक चंद्रमोहन तथा नायिका नसीम के अभिनय के अलावा संवाद लेखक कमाल रोही की भाषा शैली की काफी प्रशंसा हुई थी। 1941 में सिकंदर व ताजमहल, 1943 में शहंशाह अकबर व तानसेन, 1944 में मुमताज महल व शहंशाह बाबर, 1945 में वीर कुणाल आम्रपाली, सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य व पन्ना धाय, 1946 में शाहजहां मगधराज व बैरम खां, 1947 में महाराणा प्रताप, सम्राट अशोक व चित्तौड़ विजय नामक फिल्में बनी। इनमें से मुगलिया सल्तनत को मजबूत बनाने वाले प्रसिद्ध योद्धा बैरम खां के चारित्रिक उत्कर्ष पर आधारित फिल्म बैरम खां ने सिने प्रेमियों की सर्वाधिक वाहवाही लूटी। बैरम खां ने अकबर का शक दूर करने के लिए सिंहासन के सामने ही सीढ़ियों पर अपने पुत्र की बलि देकर साबित कर दिया था कि एक सच्चे सिपाही की ईमानदारी और वफादारी क्या होती। शेष फिर कमेंट करके सुझाव दीजिए। आभार।